एक्चुअली मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ अभी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लिए इतनी अच्छी मोजड़ी आएगी जो कि ये लोग मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं. और इन्होंने मुझे खास तौर पर कहा है कि ये मोजड़ी मैं स्टार परिवार के ओके लेट मी से दिस टाइम इट्स नॉट रेड कार्पेट इट्स कूल कार्पेट. तो स्टार परिवार के कूल कार्पेट पे हम ये मोजड़ी पहन के जाएं. अच्छा, तो इस कूल कार्पेट में क्या क्या एकदम कहते हैं ना हटके. आप ये समझ लीजिए जैसे नाम रखा है कूल कार्पेट, वैसे सब कुछ कूल होने वाला है. इनफैक्ट ऑल द एक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी कूल. इनफैक्ट हम जो लीडिंग लेडीज हैं स्टार की वो भी कूल लगने वाली हैं. मतलब साड़ी वाड़ी छोड़ के एकदम. आप ये मैं आई विल नॉट रिवील दैट. कूल कार्पेट का मतलब ये सवाल तुम भी पूछ सकते हो. नहीं नहीं, आप भी बहुत कूल लगोगे जब आप रेड कार्पेट पे चलोगे. देन यू विल कम टू नो बर्फ की सिल्लियां. अक्षरा, इस फंक्शन में आपके साथ नैतिक इस वक्त मौजूद नहीं है. नैतिक एक्चुअली अकेले गए थे वहाँ दिल्ली सिटी विजिट पे, तो मैं उनसे गुस्सा हूँ इसलिए मैं खुद ही आ गई. और जो आपके ये प्यारे प्यारे फैंस आपके लिए गुड लक विश करने के लिए आए हैं इतनी दूर से, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? मैं इनको थैंक यू कहना चाहूंगी, और ये छोटा सा फैन भी आया है, थैंक यू वेरी वेरी मच. और दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए ऐसे ये लोग प्लान करेंगे कि चलो अगर अक्षरा अपनी ड्रेस पहनना चाहती है, मेरी ड्रेस का भी ख्याल रखा कि मैं अपनी चॉइस का ड्रेस पहनूं, तो एटलीस्ट मोजरी फुटवेयर जो है हमारी पसंद का पहनेगी. सो दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम.